शुरुआत करेंगे काबुल से आ रही खबर के साथ, जहां पर 120 भारतीयों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर अब से कुछ ही देर पहले जामनगर पहुंच चुका है। हम विमान के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 120 लोगों के दल में राजदूत के साथ मिशन स्टाफ भी मौजूद है, ITBP के जवान और कुछ पत्रकार भी विमान में मौजूद बताए जा रहे हैं। आज सुबह काबुल एयरपोर्ट पर C-17 ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी थी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं C-17 ग्लोब मास्टर की, इन तस्वीरों को देखकर और लोगों को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब जो लोग हैं यहां पर अंदर, वो राहत की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही है हर रोज वो दहशत पैदा करने वाली हो। और इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया कि जितने भी भारतीय हैं वहां पर सभी को सुरक्षित और जल्द से जल्द भारत वतन वापसी किया जाए। और इसी के मद्देनजर C-17 ग्लोब मास्टर, जिसके अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले जामनगर पहुंचा है। 11 बजे हालांकि समय था दिल्ली पहुंचने का, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जामनगर पहुंचा है C-17 ग्लोब मास्टर। और इसके अंदर जो लोग आप देख रहे हैं ये सभी भारतीय हैं और राहत की सांस ले रहे हैं यहां पर पहुंचकर। काबुल एयरपोर्ट से कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लगातार फायरिंग की कल आवाजें सुनाई दी थी। एयरपोर्ट के अंदर कोहराम मचा हुआ है, लोग अफगानिस्तान छोड़ने के लिए जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। वहीं काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी का माहौल अब भी बना हुआ है, लाखों की भीड़ एयरपोर्ट में घुसने की फिराक में। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों ने यह वीडियो बनाया है जिससे मदद की वो गुहार लगा रहे हैं। दरअसल इन भारतीयों की समस्या ये है कि ये किससे संपर्क करें ताकि जल्द से जल्द ये अपने वतन वापस लौट सके। मेरे पीछे देख रहे हैं सारे इंडियंस बैठे हुए हैं, अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह होने का भी डर है। बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और फायरिंग भी हो रही है। अभी एयर इंडिया कब आ रही है हमें कुछ नहीं पता, 12:30 बजे का टाइम दिया था, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और 4 लाख लोग बाहर खड़े हुए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए।